कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल था। स्पेशल थैंक्स टू DIG पीर मोहम्मद शाह साहब जिन्होंने फुल सपोर्ट की, ग्राउंड हमें दिया। हमने यहाँ पे इंशाल्लाह जो कोशिशें की, काविशें की बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गई। मैं तमाम यंगस्टर्स जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं उनको ज़रूर ये बात बोलूँगा कि उनकी तारीफ पढ़े और उनका विजन देखे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह से हमारी कौम को लीड किया और इस मुल्क को कायम किया। को बहुत कुछ दिया है, इस जैसे वसाइल किसी और मुल्क में नहीं है। अभी कतर ने वर्ल्ड कप कराया, हम बात कर रहे थे $12 बिलियन का इस वर्ल्ड कप में, इनके पास क्या है, कुछ नहीं, छोटा सा मुल्क है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सिंध पुलिस के इश्तराक से बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 146वें यौम पैदाइश पर 3 रोज़ा कायदे आज़म ट्रॉफी नाइट टेप बॉल कलर किट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद पुलिस ग्राउंड में किया गया। टूर्नामेंट में प्रोफेशनल पोल की 8 टीमों और फेस्टिवल पोल की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। मेहमान खसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 18 डिवीज़न मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन खान ने टूर्नामेंट की अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आजकल के माहौल में ग्राउंड इवेंट एक बड़ा चैलेंज है। ऑर्गेनाइज़र को बेहतरीन इवेंट इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हैदराबाद और सिंध के ग्राउंड आबाद करने में पाक फ़ौज अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। मुस्तकबिल में क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट कराए जाएंगे। कायदे आज़म ने मुल्क बनाया या अल्लाह का मौजज़ा है। अल्लाह ने हमें आज़ाद मुल्क अता किया, हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। कायदे आज़म का पैगाम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और यकजान हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए हमारी माएँ अपने बच्चे मुल्क की राह में कुर्बान कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए शहादत पाने का जज्बा रखते हैं, इस वजह से मुल्क कायम है और रहेगा। हमें अपने लोगों में डिसिप्लिन लाना है और अपने रवैयों में बर्दाश्त, रवादारी और सब्र पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल किया है और एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर बनकर उभरेगा। मेहमान एजाजी DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे खेलों के मैदान इस तरह आबाद रहें। स्पोर्ट्स से यकजहती और नज़्म व ज़ब्त का गहरा ताल्लुक है, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन है। हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें तमाम सलाहियतों के साथ कामयाबी के लिए जद्दोजहद करना है। उन्होंने कामयाब टीमों और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की खिदमत को सराहा। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अदील सिद्दीकी ने मेहमाना ने ग्रामी का खैर मकदम करते हुए कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे अजीम लीडर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान कायम हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो अजीम लीडर हैं जिन्होंने एक दिन जेल में गुजारे बगैर पाकिस्तान हासिल किया। हालांकि पड़ोसी मुल्क को देखें तो उनके लीडर ने पूरी ज़िंदगी जेल में काटी। मैं नौजवानों से भी कहता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत और उनके विजन की तालीमात से इस्तफादा हासिल करें। उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग 18 डिवीज़न मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन खान और दीगर मेहमान निगरामी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप हमारी दरख्वास्त पर टूर्नामेंट में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। आपके आने से हमारे हौसले बढ़ते हैं। मुस्तकबिल में भी कायदे आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट का सालाना इनेकाद किया जाएगा। मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन खान, DIG हैदराबाद रेंज सैयद पीर मोहम्मद शाह, सदर अदील सिद्दीकी, सरपरस्त आला मोहम्मद इकराम राजपूत, सरपरस्त इकबाल हुसैन बेग ने टूर्नामेंट में फेस्टिवल पोल की फातह टीम पाकिस्तान आर्मी के कप्तान कर्नल सत्तार, प्रोफेशनल पोल की बुखारी 11 के कप्तान तबरेज हुसैन शाह को कामयाबी पर ट्रॉफी और तहाइफ दिए, जबकि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान मोहम्मद अरीफ खान, हसाम इकबाल बेग, एहसन नागड़ को तारीफी सनात दी गई। कबल अजी हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अदील सिद्दीकी, सरपरस्त आला इकराम राजपूत, सरपरस्त इकबाल हुसैन बेग, सीनियर नायब सदर नजमुद
अकबरुद्दीन कुरैशी, नायब सदर उवैस खान और अरकान हसाम इकबाल बेग एहसन नागर ने मेहमानों को सिंध के रवायती तहाइफ अजरक और टोपी पेश किए। इस मौके पर कमांडर आतिफ, कर्नल सैफ, डीआईजी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह, सीपीएलसी चीफ डॉक्टर एम फरीद कासिम, डिप्टी चीफ फैसल लाखानी, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया हैदराबाद मोहम्मद फारूक खान, चैम्बर के सरपरस्त मोहम्मद इकराम राजपूत, सरपरस्त इकबाल हुसैन बेग, सीनियर नायब सदर नजबुद्दीन कुरैशी, नायब सदर उवैस खान, अरकान पहलाज राय, हसाम इकबाल बेग, अरीब खान, एहसन नागर, जहीर जान, सैयद हसन अली लचपाल, नवाबुद्दीन कुरैशी, एजाज अली राजपूत, गुलाम सरवर पंवर, असलम खान देसवाली, अदनान खान, दानिश खान, मकसूद अहमद चौहान, राशिद कुरैशी, अरसलान ईसानी, असद घांगरा, हुसैन बेग, आमिर शहाब, सारिम सिद्दीकी, जावेद अहमद, फरहान अजीज मेमन, अली रजा आरई, अयूब राजपूत, शाहजान शेख, सैयद ताहिर अली शाह, हम्माद दुरानी, फहीम खान, नदीम याकूब, तब्रेज शाह बुखारी, सैयद अहमद शाह, शकील कायम खानी व दीगर भी मौजूद थे। कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल था आज 25 दिसंबर, कायद आजम के पैदाइश का दिन, उनके बर्थडे के दिन पर ये इख्तिताम पजीर हुआ ये टूर्नामेंट, जिसमें 16 टीमें थीं और दो अलग अलग उसमें हिस्सों में मुकाबले हुए, और एक तरफ पाकिस्तान आर्मी ने विन किया, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय देम, और दूसरी तरफ हमारी जो बुखारी स्पोर्ट्स थी उन्होंने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा मज़ा आया तीनों दिन, इट वाज प्लेजर वाचिंग द टूर्नामेंट, और माशाल्लाह से हमारे जो चैम्बर है यहाँ बहुत एक्टिव है, उनकी ये सारा उन्होंने कंसीव और एग्जीक्यूट किया, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू देम कि दे पुट इन सच अ वंडरफुल शो इनकी टीम ने ग्राउंड में आकर, तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल 3 days, और ख़ास तौर पे मैं हमारे जो बेस्ट कैप्टन अनाउंस हुए हैं अहमद साई, तो इनकी जो कैप्टनसी है उनकी भी जो है धाक बैठ गई है पूरे इलाके के अंदर। आज ही हमारा ये कायद आज़म कप जो हमने किया था कायद आज़म की बर्थडे के हवाले से इख्तिताम पजीर हुआ, और स्पेशल थैंक्स टू डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब जिन्होंने फुल सपोर्ट की, ग्राउंड हमें दिया, हमने यहाँ पे इंशाल्लाह जो कोशिशें की, काविशें की बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गई, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। पुलिस और बिज़नेस कम्युनिटी की लाइजनिंग एक मिसाली लाइजनिंग है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट पुलिस बिज़नेस कम्युनिटी को पुलिस की डिपार्टमेंट देता है वो कोई भी नहीं देता है, तो ये एक बात सच है और सराहनी भी चाहिए। तो उसी हवाले से ये एक तकरीब भी थी अभी क्लोजिंग सेरेमनी, जिसके अंदर हमारे पास चीफ गेस्ट जो थे वो जीओसी साहब थे 18 डिफ के, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन साहब, उनकी भी मेहरबानी, वो भी आए ताकि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट हो सके जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। तो एक अच्छा इवेंट था, कलरफुल इवेंट था, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हम इसको बार बार कराएँ, हर साल कराएँ कायद आज़म ट्रॉफी के नाम से, और इसके लिए अब हम वर्किंग करते रहेंगे। बाकी पीर मोहम्मद शाह साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि जिन्होंने पूरी सपोर्ट दी हमें इस ग्राउंड के हवाले से, यहाँ पूरा जिस तरह से हम यहाँ पे काम करते रहे वो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे, बैक करते रहे, और इनके बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ये टूर्नामेंट इतना कलरफुल टूर्नामेंट और इतनी क्रिकेट यहाँ पे हम खिला सकते यंगस्टर्स को। तो सबका, जितने मेहमान यहाँ पर आए क्लोजिंग सेरेमनी में उनका भी शुक्रिया, और तमाम क्रिकेटर्स का शुक्रिया कि वो आए और हमारे टूर्नामेंट में आके उन्होंने क्रिकेट की। कायद आजम डे के हवाले से बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, और मैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम का और तमाम जो टीमें उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। आज के मेहमान खास जनाब जीओसी मोहम्मद हुसैन साहब और जनाब डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब थे, उसके अलावा दीगर मेहमान भी थे, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर फारूक साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ये हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेहतरीन ख्वाहिशें हैं कि उन्होंने बेहतरीन टूर्नामेंट का इनेकाद किया, और मैं आदिल सिद्दीकी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं, पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।